हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। आज हम एक गांव में आए हुए हैं, यहाँ पर क्षत्रिय जो समाज है उनका होली मिलन समारोह है, और इस समारोह में कानपुर के बड़े बड़े अधिकारी, साधु संत और गांव के प्रधान, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सभी इस समारोह में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस समारोह में, इस मिलन समारोह में हमारे पूज्य श्री गुरुदेव करौली शंकर महादेव बाबा जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में उनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो हम यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं, हमारे गुरुदेव कुछ ही देर में उनका आगमन होने वाला होगा। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्थाएं, हमारे गुरुदेव को किस तरह यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। कानपुर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं, और हम पिछले एक घंटे से यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पे जो इनका लेक्चर चल रहा है हम उसको सुने, और उसके अंदर सिर्फ हमारे गुरुदेव की बातें हो रही हैं, और उसमें कुछ पुराने जो कानपुर के पुराने अधिकारी हैं, IPS ऑफिसर और जो साधु संत हैं, वो हमारे गुरुदेव को बहुत पहले से ही जान रहे हैं। तो वो सभी इस समय हमारे गुरुदेव को देख के बहुत प्रेरित हैं, हमारे गुरुदेव इस समय प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। गुरुदेव का ना आगमन हो ही चुका है, तो आप खुद ही देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पीछे हमारे गुरुदेव, उनकी गाड़ी है। तो हम वहाँ पे पहुँच के पूरा कवर करके आप लोग को दिखाते हैं। महाराज जी आए हैं तो हवा भी बहुत तेज चलने लगी है, एक महाराज जी के बेटे के लिए अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो बैठ जाए, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। मंच की गरिमा को खराब ना करें, मंच पे वही लोग रहे जिनको रहने के लिए कहा गया। बस तो जिस प्रकार सूर्य कमल माला पाकर के शशि कुमुदनी पर, जिस भूमि पर आध्यात्म की वर्षा हो रही होती है, जहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है, वो जगह ऊर्जान्वित हो जाती है, और वहां पर जाने से लोगों के कष्ट अपने आप दूर होने लग जाते हैं। तो ऐसे संत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में है। कहते हैं सोच ऊंची हो, नजरिया सकारात्मक हो, दाढ़ी मीठी हो, तो आपको कुछ भी मिल सकता है। कहते सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किसी नरेंद्र सिंह सेंगर जी से, कोषाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी से, और बोलिए सब लोग, जो भगवान गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता का लक्ष्य की, सभी संतों की, भाई किनारे करौली शंकर महादेव धाम की, महामंत्री शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा जी साथ बैठे हैं, देवराज जी हैं, रघुनंदन जी हमारे अनुज, हम लोग तरसे मित्र हैं, जो हम दोनों ही अपना लाठी डंडा लेके रोहित हमको प्यार से अपने मामा जी कहते हैं, लाल सिंह तोमर जी उनके सपुत्र,
सभी लोग राजा जी और सभी लोग हमारे भगवान जी सामने बैठे, माताएं बहन हमारे लोगों के साथ सभी सभा के छत्ती सभा के स्वयं सेवक इसको चलाने वाले, इसको एकता बनाने वाले और सबको मिलाने वाले, जोड़ने वाले, कड़ी से कड़ी जितने क्षत्रिय कुल के लोग हैं और उनके अन्य तमाम कुल के भी लोग जो साथ में सहयोग करते हैं, सभी का बहुत बहुत मंच से अभिनंदन है, मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन करते हैं सबका। और प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ से, अपने गुरुदेव से कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहें और सुखी रहें, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। हमारे बाबा श्री गुरुजी बाबा मनोजानंद जी भी हमारे बीच उपस्थित, सभी लोगों को नाम लेना चाहेंगे तो आधा घंटा जाएगा, बहुत लोगों से परिचित है, सभी का एक साथ स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं सबका। इस बात के लिए कि आपने हमें मंच में स्थान दिया, इसके लिए हम आप सभी को अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम आज जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण ही कर पा रहे हैं। पीछे जितने भी महापुरुष क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, उन्होंने देश में पूरे विश्व में अपना परचम फहराया, आप पूरा विश्व को मानता, चाहे वो बुद्ध रहे हो, चाहे वो महावीर रहे, चाहे भगवान राम रहे, अपने अपने समय में, अपने अपने युग में अपना परचम लहराया और समाज को एक नई दिशा दी और वाकई में क्षत्रिय होने का अभिमान कराया उन्होंने। क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही यही है कि दुष्टों का गलन करना और सज्जन को संरक्षण देना, ये क्षत्रिय का कार्य है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ, क्षत्रिय कोई एक जाति नहीं है, एक वर्ग है जिसमें हम लोगों ने जन्म लिया और हमारे माता पिता से हमें वो शिक्षा मिली कि हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ, अपने लालन पालन के साथ साथ दूसरों का भी लालन पालन और सुरक्षा करने की हिम्मत और साहस दिया है। बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन है क्षत्रिय कुल के लोग, अच्छा काम कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात बहुत गहराई में देखी, मैं बहुत कभी क्षत्रिय महासभा में, क्षत्रिय सभा में कभी गया नहीं। एक बार हमारे मामा श्री ने बुलाया था पेट्रोल पंप पे, तोमर साहब ने रखा था क्षत्रिय सभा की बैठक, तो हम उसमें एक ही बार गए। लेकिन हम गए तो हमारे साथ तमाम ब्राह्मण भी थे और तमाम कई और जाति के लोग भी थे, राजनीति थे, किसान यूनियन चला थे, तो थोड़ी देर बैठे थे, वहाँ से चले आए बाबा से कहा हमने चल रहे, हमें कुछ बात कम समझ में आ रही है, चल रहे। क्षत्रिय आज जो हम धर्म निभा पा रहे हैं, वो क्षत्रिय धर्म ही का है, हम निभा रहे हैं अपने दरबार से, आसमान से कोई भी पीड़ित आता है, कष्ट में आता है, दरबार उसकी सुरक्षा करता है, रोगों कष्टों से उसकी मुक्ति करता है, संरक्षण देता है, तमाम आसुरी शक्तियों से संरक्षण देता है, तमाम बुराइयों को दूर करने की शक्ति दरबार में है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र जो ब्रह्म में लीन है, शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे साथ, आप सबके साथ इस मंच पर पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ यहाँ भी उपस्थित हैं, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए उनका सबका आशीर्वाद पूरे दरबार का आपके साथ। दरबार की तमाम शक्तियाँ हैं जिनसे आप परिचित होंगे अब धीरे धीरे, तोमर जी, राणा जी, सब लोग, पूरा परिवार जो हमसे मिला और हमसे कहा चलो, तो हमने कहा हमें भाई आप मुख्य अतिथि ना बनाओ, आप किसी को बुलाओ हम ऐसे आ जाएंगे, क्या नहीं नहीं हम लोगों ने तय कर लिया है कि आप ठीक हो, तो हमने नाम लिए एक दो सबका, मामा को भी कहा कि लोग बनाइए, अभी लोग राजनीति करते हैं, हमको ले चलोगे तो हम जरा हमारी बात हो सकता है कुछ लोग अच्छी ना लेंगे, क्योंकि हम तो वो बात करेंगे जो आपके अनुभव की बात है, जो आपसे जुड़ी हुई बात है। अगर आपको कष्ट होता है
और आपको उन कष्टों से कोई बचाता है तो मुझे लगता है कि असली छत्री वही है जो आपको कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आपके हर सुख दुख में खड़ा हो असल में वही छत्री। हम लोग एक जाति में एक वर्ग में पैदा हो गए तो उस नाते भाव रहता है, प्रेम का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव, बड़े छोटे का भाव बना रहता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि इससे हम और ताकतवर होते हैं, एक समाज मिल करके फिर हम सबकी सेवा कर पाते हैं। ये भाव सब में रहना चाहिए और वही हम कर पाएंगे। हमको जो शिक्षा दीक्षा मिली हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो शरीर में तो नहीं है, छोटेपन से 17-18 वर्ष की उम्र में हम उनसे जुड़ गए थे, पंडित श्री राधा रमन जी में जो करके जो भी प्राप्त हुआ धीरे 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 चलता रहा। तो लंबी कथा है, उसको किताब भी लिखी है अभी। और आज एक ब्राह्मण की वजह से ये क्षत्रिय जो है सबकी सेवा कर पा रहा है, ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। और हम आपसे बहुत गर्व से कहना चाहेंगे कि इस भारतवर्ष में जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, चाहे जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, आपने रामायण है, गीता है, जितने भी सब लिखे गए हैं, पुराण है, शास्त्र है, अद्भुत है। हम पहले एक ब्राह्मण वर्ग को ऐसे मानते थे कि ये पोंगापंथी लोग हैं और ये लोगों को शायद भ्रम पैदा करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं शायद। हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे तो थोड़ा सा ऐसे चीज़ों को जल्दी विश्वास नहीं करते थे, वैदिक चीज़ों तो ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब बाबा के संपर्क में गए और जब अनुभव होने लगे धीरे धीरे, तो समझ में आया इन शास्त्रों में, इन वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में, एक एक जो शब्द लिखा है ना हीरे जैसा है, एक एक शब्द हीरे की ज़्यादा हैसियत रखता है, अनुभव से पिरोया हुआ है, एक एक अनुभव है। और उन ब्राह्मणों ने अपने कुल की कुल पूरी परंपराओं की परंपराएं पूरी खपा दी और क्षत्रियों के सहयोग से उसको समाज में लागू कराया। ब्राह्मणों ने जो अनुभव किया, जो लिखा, उसको क्षत्रियों के बल पे समाज पूरे लागू कराया और समाज को दिशा दी, बड़ी दिशा दी। आज जो हम लोगों को सम्मान मिल रहा है, आज जो हमारे बच्चे थोड़ा बुद्धि रखते हैं, आप दूसरे वर्ग के लोगों से देखिए आप बहुत श्रेष्ठ हैं, ये ब्राह्मणों के नज़दीकी के कारण ही हम लोग इतना ज्ञान अर्जन कर पाए। और ध्यान रहता है इधर ईश्वर की तरफ सबसे ज्यादा, अगर कोई ध्यान रखता है तो क्षत्रिय कुल है। आज ब्राह्मण का सम्मान करने वाला अगर कोई है तो क्षत्रिय कुल ही है जो सबसे ज़्यादा सम्मान करता है। छोटे से बच्चे को देख करके भी कहता है पंडित जी पाए लगी, छोटा हुआ तब भी बुजुर्ग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको आप जब अपने साथ लेकर के चलते हैं संरक्षण में, तो आप और ज़्यादा गति करते हैं अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। ये बहुत अनुभव की बात हम आपसे बता रहे हैं। हमने जो अर्जित किया, जैसे एक नाम है, चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत आपने प्रतीक्षा की है। एक नाम ऐसा है जो क्षत्रियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है और खूब इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में बहुत ज़्यादा, और घरों में बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे दी गई है कि साहब ये आदमी क्षत्रियों का बिल्कुल खलनायक है। वो नाम है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम का नाम आते लगता है क्षत्रिय विरोधी। लेकिन हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, जो अगली पीढ़ी है, बुजुर्ग तुम्हारे तमाम समझते हैं, हम इस लायक नहीं कि उन्हें समझा सकें, ज्ञान दे सकें, लेकिन जितना हमने समझा, शायद आप लोग अध्ययन किए कि नहीं, जाना कि नहीं, भगवान परशुराम के जो दादी थी ना वो क्षत्रिय थी, क्षत्राणी थी, पता है आप लोग, दादी, सगी दादी। और भगवान परशुराम की जो माँ थी ना वो भी क्षत्राणी थी, शायद आप लोग बात ना पता हो। और जिनको अपना सिरमौर आप मानते हैं
महर्षि विश्वामित्र, वो इनके जो पिताजी थे जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के सगे मामा थे। बताया आपको विश्वामित्र की सगी बहन ब्याही थी, तो सत्यवती नाम था, ऋषि ऋचिक थे उनको ब्याह, ऋचिक के फिर पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि के मामा थे, सगे मामा कौन थे? विश्वामित्र, जो हमारे सिरमौर हम लोग उनको मानते हैं। ऐसे गठबंधन रहे हैं पौराणिक काल में हमारे पिछले जिन्हें हमने भुला दिया है, शायद जिन्हें याद नहीं करना चाहिए। इतने गहरे गठबंधन थे, शास्त्रों की शिक्षा भगवान परशुराम ने अपने पिता श्री से, अपने दादा ऋषि ऋषि से प्राप्त की, और शस्त्र की जो शिक्षा है वो अपनी माँ से, अपने मामा विश्वामित्र से और भगवान शंकर से प्राप्त की। इसीलिए वो अजय थे, अजय हैं और हमेशा अजय रहेंगे। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण की एकता के प्रतीक थे भगवान परशुराम, विरोधी नहीं थे, एकता के प्रतीक थे। और भगवान परशुराम वन मैन आर्मी थे, कोई साथ में नहीं दूसरा आदमी है। नाम था राम भद्र, भगवान परशुराम का असली नाम राम भद्र था, जो दादा ने उनके उनका नाम रखा था, राम कहे जाते थे। भगवान शंकर ने परसा दिया था परश, तो उनका नाम परशुराम। तो हमारे विरोधी रहे, हम लोगों ने अज्ञानता में तमाम चीजें क्रिएट की हैं। ब्राह्मण एकता क्षत्रिय मिसाल रही पौराणिक काल से, हम आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकते। जब जब संकट आया है मानव जाति पे, तब ब्राह्मण क्षत्रिय एक हुए और उनके संतति से जो संतानें उत्पन्न हुई उन्होंने भी संभाला है उस राष्ट्र को। तो हम सबको बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है कि समाज विश्वेल न फैले, हमारा क्षत्रिय समाज और ऊंचा उठ सकता है, गौरवान्वित हो सकता है। आपका ये जो पुत्र बैठा है, बच्चा बैठा है, भाई बैठा है, एक ब्राह्मण की वजह से आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में पूजा जाता है। तो आप सोचे, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, कुछ भी हो, तुम्हें ब्राह्मण चाहिए होता है। क्यों? हम ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी है सर्वश्रेष्ठ। अगर हमें गाय पालनी होगी तो हम देशी पालेंगे। कौन सी पालेंगे? साहीवाल लाओ देसी गाय, गिर गाय लाओ, रेट से ये लाओ, तो हम पालेंगे देसी गाय। जर्सी गाय हम लोग सब जान गए हैं कि ये सुअर की औलाद है, देसी गाय हमारी गाय। हम नस्ल क्यों चुनते हैं? मनुष्यों में वैसे नस्लें हैं, ब्राह्मण है नस्ल है, क्षत्रिय नस्ल है, वर्ग है। तो जो हम पीछे से हमारे खून में आया है, जीन्स में आता गया, हमारे पुरखों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृतियों के रूप में हमारे पास है। और जब ये दो वर्ग एक साथ मिलते हैं तो बाकी जितने वर्ग हैं समाज के, उनका लालन पालन बहुत अच्छे से होता है और समाज में न्याय का एक माहौल बनता है जब ये दो वर्ग साथ होते हैं। यानी बल और बुद्धि, तीन बल कहे गए, धन बल एक आपका कहा जाता है, बुद्धि बल और बाहु बल। जिसके पास दो होते हैं तीसरा अपने आप आ जाता है। लेकिन इस सब में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि बल ही कहा गया। लेकिन दो बल अगर एक साथ हो गए, कौन सा? बुद्धि बल और बाहु बल, तो धन बल अपने साथ अपने आप आ जाएगा। आपके पास धन हो और बुद्धि हो तो बाहुबल अपने साथ हो जाएगा। कोई दो एक कर लो, तीसरा अपने आप जुड़ जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण कुल है, क्षत्रिय कुल है। क्षत्रिय कुल हमारा, हमको शिक्षा दी गई है कि दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, सुरक्षा करना। कहते हैं कि किसी का कष्ट है हम लोग कूद जाते हैं, सबसे दुश्मनी ले लेते हैं,
बोले आपको क्या दिक्कत थी, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा पड़ोसी था, आप उसको छू ले सकते। कहते यार भैया ये तो जबरदस्ती कूद गए। तो जबरदस्ती कूद नहीं गए, हमें पीछे से हमारे महापुरुषों से, हमारे पूर्वजों से, हमारे खून में वो चीज़ें आई हैं कि हम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम लोगों ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो हम याचक के रूप में कहीं खड़े हैं। तो आप सबसे यही कहना है, दरबार आपके साथ है, जितने लोग यहाँ बैठे हम अभी आपको दरबार की शक्ति का अनुभव कराएंगे, आप सभी को अनुभव कराएंगे जितने लोग यहाँ बैठे, और आप ये देख पाएंगे कि दरबार की शक्ति कैसी है। कितने परिवार बैठे हैं, हम दरबार से कहना चाहते हैं, अपनी सभा से कहना चाहते हैं, जिनको भी लिख करके भेजेंगे, हमारी छत्तीसभा अगवा छत्तीसभा है, अगर वो सक्षम नहीं है दरबार उनकी एकदम निःशुल्क चिकित्सा करेगा, एकदम निःशुल्क पूरे परिवार। हम बहुत महंगे फीस वालों में माने जाते हैं, बहुत महंगे बहुत पैसा लेते हैं, हम पैसे वालों से पैसा लेते हैं, जो गरीब है उनकी निःशुल्क सेवा करते हैं, दरबार दिन भर करते हैं, लेकिन पैसे वालों से पैसा ले करके जिन पे पैसा नहीं उन पे खर्च करते हैं। एक व्यवस्था है, अगर हमें कोई व्यवस्था ले ले कि भाई सब आश्रम हम चला सकते हैं, आप चिंता ना करो, कल से सबको फ्री, लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए बड़ी एक बड़ा परिवार है, सब जगह आश्रम है, हरिद्वार में आश्रम है, ऋषिकेश में आश्रम है, देहरादून में आश्रम है, मसूरी में आश्रम है, नोएडा में आश्रम है, सब आश्रम में आश्रम चारों तरफ, विदेशों में आश्रम हो गए हैं दसियों जगह। तो एक खर्च है परिवार को चलाने के लिए, एक छोटा सा परिवार है हमारी अहमन छत्री सभा, इसी को चलाने के लिए धन चाहिए। तो हर जगह अर्थ का एक महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए दरबार जो पैसा देने लायक है पैसा देते हैं, और कहाँ देते उनका जो दरबार चिकित्सा करता है, जिनको अस्पताल बड़े बड़े मना कर देते हैं कि साहब घर ले जाओ, अब ये मर गए मेरे घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, आपका दरबार पंडित श्री राधारमण जी मिश्र हमारे लिए गुरुदेव हैं, हमारी गुरु माता डॉक्टर माँ कामू का माता की कृपा से जान फूंक देते हैं उसमें, अगर उसके श्वासें शेष हैं उम्र शेष है तो मुर्दा भी जिंदा हो। हमारे बीच में आपके सब साथी छत्री बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, खड़े हुए कुछ लोग जिंदा बचे थे कि मुर्दा हो गए थे, अगर मुर्दा हो गए तो आप डाल मुर्दा हो गए, डॉक्टर ने कहा काम खत्म, जानते हम उस समय बनारस में थे, हमें फोन पहुंचा, फोटो पहुंचा, तो हमने कहा तो शरीर छूट गया, वहीं से हमने जो कुछ करना था किया, ये तत्क्षण थी 10 मिनट में, जहाँ डॉक्टर कह रहे थे कि काम खत्म वहाँ 10 मिनट। तो ये दरबार की शक्ति है, तो उम्र शेष है, श्वासें शेष है, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होते हैं, ईश्वरी शक्ति आपको स्वस्थ रखती है। दरबार एक ही बात को कहता है कि कभी भी जादू टोना झाड़ फूँक टोना टोटका में कभी भी नहीं पड़ना है, आप कभी टोना टोटका झाड़ फूँक जादू टोना के चक्कर में पड़े, आपको दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश मिलते भी नहीं बचा सकते, आप ट्रेन के आगे ही कूद गए, अब आपको कौन बचाए, बचना है इन चीज़ों से, ईश्वर भरोसा रखना है, केवल अपने ईश्वर पर, और ईश्वर भरोसा रखते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण रखते हैं, अपने गुरु के प्रति समर्पण रखते हैं, तो आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा जो है, आपकी प्रार्थना और संकल्प फलित होता है। तो वहाँ बच्चे हैं, ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चियाँ कहती हैं हमें शादी नहीं करना, रोज के साथ है मेरे पास, लड़के कहते हैं हमें शादी नहीं करनी, आप ले आओ 5 मिनट के बाद बोलेगी कि हाँ हमें शादी कर ली है, ठीक। बहुत बच्चे बहक जाते हैं, आप लाओ 5 मिनट के बाद बहकाओ खत्म, जहाँ माता पिता कहेंगे वही करेंगे बच्चे, 5 मिनट लगता, तलाक के केस किसी के चल रहे हैं, किसी के चल रहे हैं, आप मेरे पास लाओ 10 मिनट के बाद तलाक वापस न कर ले तो दरबार फिर दरबार नहीं है।
ये हम दिन भर करते हैं, तमाम वीडियो देखो आप खड़े खड़े मंच पे करते हैं, जूता चप्पल चला रहे पति पत्नी सामने, छुओ मत, दूर खड़े हो जाए एकदम दूर, 10 मिनट के बाद ऐसे होते हैं जैसे आज ही शादी हुई, तलाक खत्म। अभी दरबार में 6 साल पहले तलाक दिया था, अभी शादी करी आके दरबार में। एक परिवार ऐसा है जिसने 21 साल पहले तलाक दे दिया था, 21 साल बाद आकर के दरबार में शादी की उन्होंने, दरबार के शीर्ष होने के बाद उन्होंने कहा हमने तलाक दिया क्योंकि यही पता बेहोशी में चला। तो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, तमाम बुराइयाँ, तमाम परेशानियाँ जिनसे हम सब परेशान हैं, दरबार उन सबको समाप्त करने में सक्षम है। आपके तमाम रोग और कष्ट, जिसको लगता है कि रोग कष्ट हाथ उठाए, कोई कष्ट होता हाथ उठाइए, उठाइए निसंकोच, जिसको लगता है कि हमें कोई कष्ट है शरीर में वो हाथ उठा ले, अभी 2 मिनट के बाद वो कष्ट नहीं रहेगा। मन में सोचिए जो कष्ट, हाथ नीचे कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए जिनको कष्ट, और मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करिए। ओम बच्चे सभी लोग सब लोग 5 बार बोले नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रख लो, नेत्रों में रखो, 3 बार करके नेत्र खोल लो, और जिसको जिसको जो जो कष्ट है खड़े होकर चेक कर लो, उठ बैठ के कोई कष्ट नहीं, चलिए खड़े होकर चेक कर लो, किसी को लगता हो बचा तो बताए। आपको दरबार की शक्ति से परिचित करा, किसी में कोई कष्ट बच गया हो तो बता सकता है, हाथ बता सकता। ऐसे गायब होते हैं, अभी तो छोटा सा ट्रेलर है, ट्रेलर जब दरबार की प्रक्रिया करते हो पूरे परिवार के कष्ट रोग सब जाते हैं, एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं सब कुछ। जो उठ बैठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, देखो बच्चों को दे सकते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इतनी अव्वल होती, अभी बच्चे हैं यहाँ पे तो बच्चे हैं, यहाँ खड़े करो सामने आपको दिखाएं आपके परिवार में क्या क्या संकट है, बच्चे हैं छोटे सामने खड़े अंकल आपके मोबाइल चलाते बहुत चलाते हैं। अब देखो आज बच्चे तुम दिए, सब लोग अपनी जगह पे बैठे ना, सब दिखाई चलो इधर आओ, इधर आए तो 15-20 साल बच्चे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, 15-20 साल बच्चे सब आए। अब यहाँ को दरबार की शक्ति से परिचित करें जिससे माता पिता परेशान, असली सेवा आपकी क्षत्रियों की है आपकी कर पाएगी। ये बच्चे जो आ रहे आ जाए यार, तो संकोच है बच्चे आगे सर ठीक। अब आप सब लोग देखो ये बच्चे आंखें बंद करें, आंखें बंद और मनी मन ओम नमः शिवाय, और अपना अपना मोबाइल देखो चलाते हो जैसे वो देखो, जैसे मोबाइल चलाते हो मन में चलाओ, जैसे चलाते हो बाहर उच्चारण आप ही आके आप ही कर लो बाल खोल लेना, आंखें बंद करो बाल लेकिन खोलना पड़ेगा छोटी, मणि मनो प्रहार उच्चाटन मोबाइल से नफरत और घृणा पैदा करते सदा सदा के लिए, तभी मोबाइल लैपटॉप देख पाएंगे जब इनको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंध कोई विषय वस्तु देख लेंगे, अन्यथा उच्चाटन जब 5 बार बोलो नमः शिवाय सब बच्चों को। पांच बार ओम नमः शिवाय बोल के दोनों हथेलियाँ रख लो, नेत्रों में रखो, 3 बार करो ऐसे और आँख खोल दो। अब ये सब मोबाइल हुआ है, मोबाइल गर्म
अब पुनः आँखें बंद करिए और जिसको मोबाइल चलाने की इच्छा हो रही है वो केवल यहाँ खड़ा रहेगा, बाकी लोग बैठ जाएंगे। आँखें बंद करो, चेक करिए। जिसको इच्छा हो रही है मोबाइल चलाने की, अभी भी चलाना है उनको, अच्छा लग रहा है वो खड़ा रहेगा, बाकी जिनको लग रहा मोबाइल नहीं देखना है, बेकार की चीज़ है, वो बैठते जाएंगे अपने स्थान पर। चलो बैठते चलो अपने स्थान पे, चलो। जिनको लगता है मोबाइल नहीं देखना, बेकार की चीज, अपने स्थान पे बैठते। ये है छत्री गुरु की सेवा। करौली शंकर महाराज की, करौली शंकर महाराज की। उसको दो जरा मोबाइल, अभी आपको टेस्ट करो, दो मोबाइल दो। नहीं ले, वो देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, फेंक देंगे। करौली शंकर महाराज की, करौली शंकर महाराज की। तो ये क्या है? ये दरबार की छोटी छोटी शक्ल है। हाँ, नशा पीते हैं। अच्छा, वो लोग खड़े हो जाए तो दारू पीते हैं, खड़े। निसंकोच, निसंकोच, आज के बाद दारू छू नहीं पाओगे, ये दरबार का वचन है। खड़े हो, जो सृष्टि में कहीं नहीं हो रहा है वो क्षत्रिय कुल कर रहा है ना, एक ब्राह्मण के प्रताप से। देखो ना, वही बात है। आप हटे सामने, जो लोग दारू पीते जाए यहाँ आ जाए, मेरे सामने आए, उनका सम्मान तो कर पाए वहाँ गया। अच्छा काम करते हैं, मामूली आदमी थोड़ा ना दारू पीता है, तो पैसा नहीं होगा कौन दारू पिए। अपनी जमीन जायदाद बेच के पीने वाला बहुत बहादुर होता है। अभी से आप एक लग गया सौ के पीते हैं। देखो ये सेवा है आपकी, आज मनु क्षत्रिय सभा की सेवा देख रहे हो कैसी। आखिर बंद, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करो। जैसे दारू पीते हो जरा आँख बंद करके, वैसे अंदर कल्पना करके सोपना है, सामने शराब की बोतल भरा, काजू बादाम नमकीन तैयार रखा है, खा पी लो, खाओ बाहर नष्ट कर दिया जाए। जो भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं यहाँ बैठे सब पे लागू कर दिया जाए, यहाँ खड़े हुए सब पे लागू कर दिया। मांस मदिरा से उच्चाटन सदा सदा इन सभी को दरबार की ओर से नौ नौ के पूरी दीजिए, ग्यारह दो सक्रिय कर दीजिए। मास्क वगैरह से चाटन कभी खाने पीने की कोशिश करें तो मेरे मन मुख से दिखाई दी तो वही बदबू है। सदा के लिए चाटन पांच बार बोलियो नमस्ते। दोनों हथेली आपस में रख लो, नेत्रों पे रखो, तीन बार करके आंखें खोल। अब आज से ये हो गया कि ये कभी दारू छू नहीं सकते, असली में तो छोड़ो, ये कल्पना में भी नहीं पी सकते। जरा आंखें बंद करके जैसे पीते जरा पी के देखो, पी बार पी पा रहे। करौली शंकर महाराज की, करौली शंकर महाराज की। पीने की इच्छा हो रही तो कल्पना करिए, पीने की जरा भी इच्छा हो रही सोच के क्या लग रहा है, दारू पीने के नाम पे क्या लग रहा है, क्या भाव है, अच्छी लग रही दारू, खराब लग रही, खराब लग रही। ये है शक्ति, तो इससे महिलाएं कितनी आनंद में आ जाएंगी, परिवार का पूरा पूरा परिवार आनंद में आ जाएगा अगर आपकी मांस वगैरह छोड़ जाती। और यहाँ जितने लोग बैठे खाते पीते थे, बहुत लोग संकोच में उठे नहीं है, हम जानते हैं कौन कौन लोग खाता पीता है।
किसी की भी इच्छा नहीं हो रही है, उनकी इच्छा मर गई। यहाँ खड़े बैठे मंच पे नीचे सब जय श्री हरि, जय श्री राम हो गए। करौली शंकर महाराज की, करौली शंकर महाराज की। तो हाँ, गंगा आरती दरबार ने शुरू कराया है, गंगा आरती, गंगा महाआरती सुसैया घाट पे प्रत्येक रविवार को शाम को होती 7:30 बजे से। दूसरा ये आप लोग बहुत समय लिया, बहुत समय लगेगा, खूब बैठेंगे आराम से, खूब चर्चा के लिए गोष्ठी बुलाइए, हम दरबार बुलाएंगे, आश्रम बुलाएंगे, कहीं भी रखिए कार्यक्रम, बैठेंगे आप सब परिवारों को एक साथ स्वस्थ करने का जिम्मा लेंगे, एक साथ अच्छे करेंगे, बच्चे आपके पढ़े। अब जैसे बच्चों को दरबार ये कर सकता है, कोई बच्चा हमारे दरबार से जुड़ा 90% से कम नंबर नहीं आता। हाँ, ये सब धर्मेंद्र जी नहीं खड़े, ये अभी इनकी गुड़िया ने इंटर में टॉप किया है बिहार में, जो हो जो हो। 98.6% 98.6% 98.6% ज्यादा नंबर, दो विषय में तो 100% 100 में 100। ये दरबार से जुड़ने का है, दरबार के परम भक्त भी है, सेवा भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं, ये दरबार की शक्ति। कोई बच्चा आता है फिसड्डी खेले और बच्चा फेल वाला, वो भी बढ़िया पढ़ता है, जो बच्चे के एकदम फेल हो जाएंगे वो टॉप करते हैं। ये दरबार की शक्ति है, ये असली समाज सेवा, ये क्षत्रिय सेवा है, ये असली सेवा है। सब समाज की सेवा हम कर पाए मिलकर, इससे सुंदर कुछ नहीं। इसी के साथ दरबार आपके इस स्थान के लिए 11 लाख रुपए अपनी तरफ से आपको और अभी 5 लाख रुपए के चेक आपको अभी मिल रही है, जब काम शुरू कराए तब पड़े तो 6 लाख रुपए और लेकर के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु जी ने जो सहयोग अपने क्षत्रिय सभा के लिए दिया है, समस्त कार्यकारिणी और हमारे क्षत्रिय भाई उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अपने राणा साहब से कहना चाहूंगा, जो हमारे संरक्षक भी है, उनसे कहना चाहूंगा गुरु जी के लिए दो शब्द। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये तो 11 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, अगर यहाँ पर जो अपने क्षत्रिकूट सम्राट है जिनके आप कुछ मूर्ति लगाएंगे, वहाँ पास में भगवान परशुराम की एक मूर्ति जरूर लगाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसके लिए मंदिर के लिए 5 लाख रुपए अलग से देंगे। जय करौली शंकर महाराज की। जो आपके बच्चों को दिशा दे कि ब्राह्मण हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे मार्ग प्रदर्शक है, हमको आगे ले चल सकते, बढ़ा सकते, ऐसे कर। बुलाओ आलोक तोमर जी कहाँ है, महामंत्री जी कहाँ पहुंचे, वहां चेक लो कली लगाओ। आइए बस 5 मिनट का समय और है, अपने स्थान पर बैठे रहे हम लोग, सिर्फ 5 मिनट में अभी समापन होगा। आज का दिन अविस्मरणीय हो गया हम सब लोगों के लिए, जो हमारी चिंताएं थी कहते हैं दिल के बस आप बैठ ले, अपना स्थान ले लें, बस 2 मिनट के लिए और आप लोग अपना स्थान ले, बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में, 2 मिनट आ चुका हूँ। मैं अपने कार्यक्रमों से अनुरोध करूंगा कि 4 लोग उससे निकलकर सबके एक एक डिब्बल से जो बैठे हुए उन्हीं को दे, जैसे बैठे हुए उन्हीं को दे, किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए।
कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें। आपको तो माफ है कि राम नवमी के पावन पर्व पर श्री करौली शंकर महादेव दरबार के द्वारा सरुआ रोड से कानपुर की सबसे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उस रामनवमी की यात्रा के लिए आप सभी अपने क्षत्रिय परिवार के लोग सादर आमंत्रित हैं श्री करौली शंकर महादेव पूजनीय गुरुदेव जी के द्वारा। इसलिए 17 तारीख को आप सरुआ रोड पर श्री राम जानकी मंदिर के बाहर 4 बजे सब सादर आमंत्रित हैं आप सब लोग। धन्यवाद। कृपया अपनी सीट पर बैठे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी। प्रसाद का वितरण हो रहा है और महाप्रसाद जो है वो केवल उन्हीं साथियों को मिलेगा जो सीट पर होंगे। उधर है भैया।